हेलो फ्रेंड्स, गूगल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर अपनी एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ और ये डिज़र्ट से रिलेटेड है क्योंकि मैं ये डिज़र्ट बना रही हूँ। तो आपको सामान रखे हुए दिख रहे हैं तो आप पता ही लगा सकते हैं कि मैं ये कस्टर्ड बना रही हूँ। लेकिन कस्टर्ड में जो मेरा ट्विस्ट है वो कमाल का ट्विस्ट है और आपने इसको कभी ट्राई भी नहीं किया होगा, ना ही कभी देखा होगा। और इस रेसिपी में चार चांद तो लग ही जाएंगे, साथ ही साथ इसका टेस्ट इतना बेटर है और इतना अमेजिंग टेस्ट है कि आप सोच ही नहीं सकती कि रेसिपी कितनी टेस्टी बनती है। और इसका नाम है बटर स्कॉच कस्टर्ड एप्पल बनाना पाई के साथ। और मैं ये किस तरह से बनाती हूँ तो चलिए देर ना करते हुए मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। और आपको यहाँ पे रखे हुए इंग्रीडियंट्स जो भी हैं वो समझ आ रहे होंगे कि मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। और यहाँ पर जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं, मैंने एप्पल और बनाना तो लिया ही है, साथ ही साथ मैंने पोमीग्रेनेट और कीवी। तो ये आपको ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जाएगा अखरोट और बादाम। तो और यहाँ पे शुगर है जिसको मुझे कैरमलाइज करना है और जिसमें मैं अखरोट, आपने बटर स्कॉच आइसक्रीम में देखा ही होगा कि कैरमलाइज अखरोट, ये ड्राई नट्स से पड़े होते हैं। साथ ही साथ मुझे इसका ट्विस्ट जो मैं कैरेमल में दूंगी वो पाई में एप्पल का और बनाना का दूंगी। इसमें जाएगा क्रीम और बटर। तो चलिए मैं इसमें स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर मिल्क। तो यहाँ पर मेरा दूध तो बॉयल हो रहा है तो मुझे अब क्या करना है, दूध में थोड़ा सा मुझे 1/4 कटोरी मुझे मिल्क लेना है और जो दूध होना चाहिए वो हमारा ठंडा होना चाहिए। तो मिल्क में हम ये 2 स्पून के करीब इसमें बटर स्कॉच जो हमारा कस्टर्ड है उसको ऐड करेंगे। मैंने 2 ही स्पून डाला है और ये बटर जो स्कॉच हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है उसको आप मिल्क के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। अगर आप 1 लीटर दूध है तो उसमें 5 स्पून के करीब आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 लीटर है तो मैंने इसमें 2 ही चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। और इस तरह से हमें ठंडे मिल्क में इसलिए लेना है क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े और अच्छे से हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो खुल जाए, डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से तो हमें आसानी होगी। इधर देख सकते हैं कि मेरा ये दूध उबल चुका है। अब क्या करेंगे, हमें इसको हिलाते हुए धीरे धीरे इसमें चलाते रहना है, लगातार हमें इसको छोड़ना नहीं है। और अगर हमने छोड़ दिया कस्टर्ड पाउडर डालते हुए तो इसमें हमारे लम्स पड़ेंगे और कस्टर्ड बेकार हो जाएगा हमारा। देखिए कोई भी लम्स नहीं पड़े हैं और बैटर भी जो हमारा है वो थिक भी होता जा रहा है। और हमें लगातार इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर हमने छोड़ दिया तो ये नीचे से लग भी सकता है, ऐसी गलती ना करना। अब ये हमारा जो कस्टर्ड है वो बॉइल हो चुका है और अच्छे से ये थिक भी होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, चीनी डालनी है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हमें इसमें चीनी नहीं डालनी है क्योंकि हमको जो हमारी शुगर है उसको कैरमलाइज करना है। एप्पल पाई बनानी है तो उसके लिए हमें उसमें भी शुगर चाहिए तो हमें इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना है। तो लगभग मैंने इसमें 3 स्पून के करीब शुगर ऐड की है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये कस्टर्ड बनके तो तैयार हो चुका है और अब मैं इसे ठंडा होने रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो कस्टर्ड बनाते समय जब हम इसको बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ करते हैं तो हमें कस्टर्ड को इसी तरह नहीं छोड़ देना है कि हमें ठंडा होने का इंतज़ार करना है। इसको 5-5 मिनट तक हम इसी तरह से ऐसे चलाते रहेंगे तो कभी भी हमारी कस्टर्ड में जो मलाई लेयर बन जाती है, लेयर बनने का रीज़न है क्योंकि जो हमारा कॉर्न स्टार्च होता है और मिल्क दोनों में ही लेयर बनती है। आप स्टार्च में जानते हैं कि स्टार्च में ही मलाई फॉर्म होता है तो उसके कारण इसमें मलाई जमना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता है। कि वो बाद में हमारी जब भी हम इसको खाते हैं तो काफ़ी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं कि मलाई जैसा आ रहा है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ और 5-5 मिनट तक इसको चलाती रहूँगी। तो अब मुझे यहाँ पर एक एप्पल लेना है और एप्पल की मुझे पाई बनानी है। तो मुझे क्या करना है, एप्पल को मुझे पहले छील लेना है, उसको पील करूँगी और ये मेरे पास बनाना है इसको भी मुझे पील करना है। इस तरह से इसकी लेयर कट करनी है और जो बनाना है हमारा वो इस तरह से हमें, तो मुझे यहाँ पे 1/2 कटोरी मुझे मैंने चीनी ली है जिसका मैंने कैरेमल तैयार करना है।
और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है और फ्लेम को हमें स्लो ही रखना होगा। और अभी हमें इसको नहीं चलाना है, अगर हमने अभी चला दिया तो इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे तो जो हमारा कैरमल होगा वो तैयार नहीं होगा। और स्लो फ्लेम ही रखें स्टार्टिंग में ताकि हमारी जो शुगर है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। हाफ कटोरी चीनी में सिर्फ हमें 2 स्पून ही पानी डालना है, इसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीनी अपना पानी भी छोड़ती है सॉल्यूशन, जब पानी में डिजॉल्व होती है तो एक सॉल्यूशन तैयार करती है, फिर धीरे धीरे वो कैरेमल फॉर्म में तैयार होती है। तो देख सकते हैं कि चीनी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज में हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मेल्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा शुगर का कैरमल तैयार हो चुका है। अब मुझे इस स्टेज में यहाँ पर जो मेरी अखरोट और बादाम है इनको ऐड कर देना है। और साथ ही साथ मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं इसमें बनाना और एप्पल है, इन सबको भी इसमें ऐड करना है। देख सकती हैं कि मैंने एप्पल और बनाना डाला तो थोड़ा सा लिक्विड हो गया, पर ये ठंडा होने के बाद ये ड्राई हो जाता है। आप इस बात का टेंशन ना लें, ये पतला हो गया, ठंडा होते ही सारा ही हमारी लेयर बन के रेडी हो जाएगी। और लगभग 1 मिनट के लिए हम इस तरह से इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एप्पल पाई बन के रेडी हो गई है। देख सकते हैं कि हमारी एप्पल पाई कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर मैं तैयारी करती हूँ अपनी क्रीम को, व्हीट फॉर्म में तैयार करती हूँ। तो यहाँ देख सकती हैं ये मैंने क्रीम ली है, मुझे क्रीम ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी क्रीम चाहिए। और मुझे इसको व्हीट करना होगा ताकि ये क्रीम फॉर्म में बन के रेडी हो जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाली लेयर में मैं यहाँ पे फ्रूट्स के साथ दिखा रही हूँ आपको, थोड़े से अनार दाने डालने हैं और साथ ही साथ मुझे अब इसमें कस्टर्ड डालना है। अब यहाँ पे मुझे कीवी की लेयर, मैंने फ्रूट्स के साथ बताया था कि ऑप्शनल है, फ्रूट्स आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा क्रीम। क्रीम के बाद जाएगा जो हमारा एप्पल पाई है, एप्पल और बनाना पाई, उसकी हमें एक लेयर लगानी होगी। ये हल्का सा गर्म है, ठंडा होने के बाद काफी क्रिस्पी क्रंच आता है इसमें। और फिर हम इसकी एक लेयर और लगाएंगे। इसी तरह से। और अब इसमें हम ऊपर की तरफ से क्रीम नहीं डालेंगे, इसमें हम सिर्फ ये पोमीग्रेनेट जो हमने पाई ली है इसको ऐड डालेंगे। तो देख सकते हैं कि मेरा ये बटर स्कॉच एप्पल बनाना पाई कस्टर्ड कितना अच्छा सा लग रहा है। और टेस्ट में तो ये इतना लाजवाब होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इस रेसिपी को देखकर मुझे ज़रूर याद करेंगे। और मैं इसे अब ठंडा होने के लिए रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में, लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक इसको मैं ठंडा करूँगी। अब जो मेरा दूसरा कस्टर्ड है वो सिंपल होगा,
सिर्फ बटर स्कॉच और जो क्रीम है इसको सेंटर में रखेंगे। इस तरह से हम इसको गार्निश करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास एप्पल पाई है, क्योंकि ये एप्पल पाई के साथ मैंने बनाया, एप्पल और बनाना पाई के साथ, तो हम साइड से जो हमारा एप्पल और बनाना पाई है उसको हम साइड से लगाते जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास अखरोट है उसको भी यहाँ पर मैं आइसिंग शुगर वाली, ये मेरे पास कलरफुल गोलियां हैं, इनको मैं इसमें गार्निशिंग करूंगी, क्योंकि बच्चों की ये फेवरेट होती हैं और काफी बच्चे पसंद भी करते हैं इनको। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी आपको। आप इसको भी देख सकते हैं कि कितना भी कलरफुल और यमी एंड टेस्टी बन के रेडी हुआ है। और बटर स्कॉच में कैरेमल का ही टेस्ट होता है। और मैं इसको भी रेफ्रिजरेटर में लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक ठंडा करने के लिए रखती हूँ।